आगे बढ़ने का कोई अंत होता है क्या? इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं, जहां पूर्णता ही मर्यादा हो, सीमाओं की डोर नहीं। विकास एक ऐसी चीज है, यहां तक विकास करना सोच के विकास किया, वहां गए, वहां पहुंचने के बाद दिखता है कि इसके भी आगे है। तो मनुष्य है लेकिन मानवता नहीं, इंसानियत नहीं है, वो मनुष्य बन जाए असली पहले, वहां जाने के बाद उसको लगता है लेकिन मनुष्य से कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते हैं, सुपरमैन फिल्में वगैरह निकलती है उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती, तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता, लेकिन वहां रुकता नहीं, उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो देवता बनना चाहता है, लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहते, और भगवान कहता है कि मैं तो विश्वरूप हूं, अभी तो आपको एक रूप में दिख रहा हूं, लेकिन मेरा जो सारे विश्व में व्याप्त ऐसा बिना आकार का रूप है वो असली मैं, तो वहां भी कुछ है क्या रुकने की जगह, कि वहां से भी आगे कुछ है ये कोई जानता नहीं है, ऐसे कह नहीं सकता, नहीं है ऐसे भी कह नहीं सकता, लेकिन एक बात जरूर इससे कहते लोग कि विकास का कोई अंत नहीं है, बाहर का विकास भी अंदर का विकास भी दोनों का कोई अंत नहीं है, ये निरंतर करने की बात है, और इसलिए थोड़ा सा असमाधान रहना चाहिए हम सबको कि इतना सारा किया लेकिन अभी ये रह गया है। इसलिए आपने कहा ना, मैंने कहा था आप सब जगह अपना काम कीजिए, तो मैंने क्यों कहा उस समय, क्योंकि सब जगह काम करने वाले लोग भी हैं हमारे, अशोक जी इधर काम कर रहे थे, और भी लोग काम करते, कल्याण आश्रम काम कर रहा था, अभी भी कर रहा है, तो एक ही रास्ते पर ज्यादा वाहन हो गए या ज्यादा आदमी हो गए तो टकराते आपस में, इसलिए रास्ते पर नियम देते, आप बाएं तरफ से जाओ, आप दाहिनी तरफ से जाओ, लेकिन ये मालूम है और ये करना भी पड़ता है, फिर भी उस समय ये क्यों कहा मैंने कि ठीक है आपको बाहर के इलाके में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि विकास का कोई अंत नहीं, और कार्यकर्ता के मन में ये अनुभव आना चाहिए कि इतना सब कुछ किया और थोड़ा बाकी है, क्योंकि हमेशा और थोड़ा बाकी रहता ही है, और इसलिए यह मत समझना कि इतने इतने काम करते इतने वृक्ष लगाए अब हो गया, नहीं भाई हो नहीं गया, वृक्ष लगते रहने चाहिए, इतने लोगों को पढ़ाया हो नहीं गया भाई, और नई पीढ़ी आएंगी उनको भी पढ़ाना है, पढ़ाई सतत चलनी चाहिए, स्वास्थ्य की चिंता सतत करनी पड़ती है, ये सारे सतत करने के काम है, इनका अंत नहीं है, और सतत करने में ही इससे पूरा समाधान सबको मिलता है।